Subscribe and press the bell icon for latest update. जो जुड़ा है एक और खास मुद्दे से। जी हाँ, ये मुद्दा जुड़ा है बीएचपी नेता और अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया से। प्रवीण तोगड़िया आखिरकार ठीक हो ही गए हैं और अस्पताल से बाहर आते ही उन्होंने फिर से हल्ला बोला है पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर। सीधे सीधे बीते दिनों जब वो सोमवार को गायब हुए थे और जब वो 10 से 12 घंटे बीच में गायब रहे, उसके बाद बेहोशी की हालत में मिले, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके बाद वो 11 से 12 के बीच आके मीडिया को संबोधित करते हैं और फिर वहां पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं केंद्र सरकार पर और कई दिलचस्प खुलासे करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं डॉक्टर जैसे ही बताएगा मैं अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाऊंगा, और अब वो डिस्चार्ज हो गए। और कल उन्होंने बकायदा फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएम मोदी का नाम सीधे लिया और उन पर निशाना साध दिया। हालांकि इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब वो अस्पताल में बीमार थे, जब वहां पर बेहोशी की हालत में भर्ती थे, उसके बाद जो उन्होंने कुछ समय के लिए मीडिया को संबोधित किया था, उसके बाद फिर से अस्पताल में भर्ती हो गए थे, उस दौरान उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर पीएम मोदी को निशाने पर लिया था। लेकिन अब जो उन्होंने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें सीधे सीधे पीएम नरेंद्र मोदी पर हल्ला बोला है और बता दिया है कि हमारे और आपके रिश्ते कभी मधुर नहीं होने वाले हैं। मैंने आपको अपने बीते प्रोग्राम में ही इस बात की जानकारी दी थी कि प्रवीण तोगड़िया और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच रिश्तों में खटास है, और खटास क्यों है इसकी भी मैंने आपको वजह बताई थी। अब सीधे सीधे खुलकर सामने आ गए हैं प्रवीण तोगड़िया नरेंद्र मोदी के सामने, और उन्होंने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि अब आर या पार होगा। यानी कि प्रवीण तोगड़िया के तेवर साफ बयां कर रहे हैं कि वो अब पूरी तरह से एक करारी शिकस्त देने के लिए तैयार हैं बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके पीछे मुख्य वजह क्या है ये मालूम नहीं हो पा रहा है, जैसा कि मैंने अपने बीते प्रोग्राम में भी कहा था। अब मैं कह रही हूँ, आखिर अचानक से तोगड़िया इतना सुर्खियों में आ क्यों रहे हैं, अचानक से इतने चर्चाओं में आ क्यों रहे हैं। केस उनका राजस्थान में बीते 10 साल पुराना केस 10 साल पुराना केस है, उसको अब निकाला जा रहा है। आखिर क्यों निकाला जा रहा है? वीएचपी आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का आधार आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कहा जाता है वहां पर जिसकी चलती है वो आरएसएस की चलती है। मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, ये सब आरएसएस तय करता है। तो फिर वीएचपी भी आरएसएस के बाद उसी का नंबर आता है। तो फिर ऐसे में वीएचपी अगर आधारभूत है, आधार है भाजपा का, तो फिर वीएचपी से इतनी खटास क्यों है भाजपा की? और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोगड़िया की क्यों है? क्योंकि वहां पर वो उसकी जो पूरी जो पूरा जो उसका बैकग्राउंड है, जो उनकी खटास का जो पूरा इतिहास है, वो इतिहास जुड़ा है गुजरात से। क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि पीएम नरेंद्र मोदी जब वहाँ पर मुख्यमंत्री होने से पहले काम किया करते थे कार्यकर्ता के तौर पर, जब वो वहाँ महामंत्री हुआ करते थे पार्टी के, जब उनका कोई अस्तित्व इतना बड़ा नहीं था, जब उनकी हालांकि उनकी दखल अंदाजी बहुत थी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी में, और उसके साथ ही वहाँ पर तोगड़िया भी उनके साथ मौजूद थे, यानी दोनों एक दूसरे की बराबरी पर थे। लेकिन यहाँ पर जय वीरों की दोस्ती भी कहा जाता था दोनों को, लेकिन जय वीरों की दोस्ती का नाम दोनों के लिए संबोधित किया जाता था। लेकिन इन्हीं जय वीरों की दोस्ती में दरार आई जब पीएम नरेंद्र मोदी यानी नरेंद्र मोदी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तोगड़िया से आगे बढ़ गए और तोगड़िया उनसे पीछे रह गए। आज आप तोगड़िया को खुद पहचानिए, वो सिर्फ वीएचपी नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं, एक विवादित नेता के तौर पर उनकी छवि बन चुकी है, हिंदू कट्टरवादी कहे जाते हैं, सांप्रदायिक बयान देते हैं, बस यही छवि रह गई है। लेकिन नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, अब वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। उनका ओहदा और तोगड़िया का ओहदा बहुत अंतर है। शायद यही वजह है, कल मैंने साइकोलॉजिकल लेवल की बात की थी, शायद यही वजह है कि तोगड़िया बहुत परेशान रहते हैं पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर, उनके ओहदे को लेकर। हो सकता है कि उन्हें लगता हो कि मैंने भी तो पार्टी के लिए उतना ही काम किया, तो फिर आखिर मेरा अस्तित्व क्या रह गया और पीएम नरेंद्र मोदी का अस्तित्व कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने बहुत ढेर सारी बातें की हैं, लेकिन उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसे शख्स का नाम लिया है जो फिर से सुर्खियों में आ गया है। हालांकि ये जो शख्स है ये हमेशा ही सुर्खियों में आता है, लेकिन चुनावों से पहले तो जरूर आता है, चाहे यूपी विधानसभा चुनाव की बात करूं, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करूं,
जो साल 2014 में हुए थे और जो यूपी में बीते साल संपन्न हुए हैं वो विधानसभा चुनाव, उससे पहले इनका जो इनके नाम के पोस्टर लग जाते हैं और फिर इनके नाम से पीएम मोदी की तुलना की जाती है, फिर वहां पर लड़ाई यानी कि वर्सेस चलता है। जैसे कि अब आप सोच रहे होंगे शख्स कौन है, ये शख्स ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत काम किया है, लेकिन अब ये मीडिया की चर्चाओं से बहुत दूर रहते हैं। कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कोई नहीं जानता, बहुत कम ही खबरों में आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो विवाद हो जाता है। जी हाँ, इनका नाम है संजय जोशी। संजय जोशी का कल जिक्र किया है तोगड़िया ने और उन्होंने कहा है कि संजय, और जिस तरह से उन्होंने संजय जोशी की को लेकर एक बात बोली है, वो बात जो है कई मायनों में प्रकट हो रही, कई और वजहें प्रकट कर रही है और कई बातें दिखा रही है कि आखिर पीएम मोदी को लेकर तोगड़िया और फिर संजय जोशी का नाम सामने क्यों आया है, आखिर ये तीनों की कनेक्टिविटी क्या है। पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात उनका गढ़ है, वहां पर तोगड़िया भी है, वहीं पर संजय जोशी भी थे वहां से, हालांकि तोगड़िया अभी भी वहां पर बरकरार है, लेकिन जोशी अब कहां है ये अभी इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन हर चीज के तार मोदी से जुड़े हैं और मोदी से खटास के दौर गुजरात से जुड़े हैं, यानी कि पीएम मोदी से संजय जोशी की भी खटास रही थी और तोगड़िया की भी रही थी। हालांकि संजय जोशी ने कभी खुलकर सामने नहीं कहा है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में ऐसी बातें सामने आई हैं कि वो पीएम मोदी को पसंद नहीं करते हैं संजय जोशी, लेकिन तोगड़िया जो है वो खुलकर अब सामने आ गए, सीधे से उन्होंने हमला बोला है कि पीएम नरेंद्र मोदी के इशारों पर क्राइम ब्रांच काम करती है। मैं आपको पहले खबर दिखाऊंगी फिर बताऊंगी आखिर संजय जोशी का ट्विस्ट आया कहां से। आप इसमें देख सकते हैं इन्होंने बोला है प्रवीण तोगड़िया ने कि दिल्ली के राजनीतिक बॉस, तोगड़िया ने साफ किया है कल मीडिया कॉन्फ्रेंस करके कि दिल्ली के राजनीतिक बॉस यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी के इशारे पर क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट कमिश्नर जेके भट्ट उनके खिलाफ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तोगड़िया ने मांग की है कि भट्ट और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच हुई बातचीत को सार्वजनिक किया जाए और तोगड़िया ने साथ ही कहा कि आरएसएस के प्रचारक संजय जोशी के खिलाफ 2005 में आई जो सीडी थी, जो अश्लील सीडी थी, इसको बनाने वालों का, जिसने बनाई थी उसका नाम समय आने पर बताएंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि गुजरात में आने वाले पीएम से वो प्रार्थना करते हैं, गुजरात से आने वाले प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी से वो प्रार्थना करते हैं कि उनके खिलाफ षड्यंत्र करके लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास न किया जाए। उन्होंने कहा क्राइम ब्रांच ही मेरे बारे में सिलेक्टिव वीडियो टीवी चैनल को दे रहा है, संजय जोशी का वीडियो भी यही बना रहा था और ये सब तोगड़िया को बदनाम करने के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि वो क्राइम ब्रांच के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी षड्यंत्र ना करें, इसको लोकतंत्र की हत्या करके राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा मत बनने दें, मुझे क्राइम ब्रांच पर गर्व है, मैंने कभी पुलिस अधिकारी के खिलाफ बयान नहीं दिया है लेकिन भट्ट मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान सरकार ने मेरे खिलाफ किसी केस की बात से इनकार किया है, राजस्थान सरकार यानी कि वसुंधरा राजे ने किसी भी केस से उनके खिलाफ जो केस है उसे इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2005 में जोशी का फर्जी वीडियो बनाकर आरएसएस जैसी पवित्र संस्था के प्रचारक को बदनाम करने का षड्यंत्र करने का काम गुजरात से हुआ था, सीडी बनाने वाले को मैं जानता हूं, किसने बनाई उसका नाम मैं जानता हूं, लेकिन समय आने पर उसे सार्वजनिक करूंगा, मैं उस सीडी की जाँच करने वालों में एक था, यानी भगवान सत्य की रक्षा करेगा, भट्ट गुजरात में षड्यंत्र का हिस्सा बन रहा है, भट्ट तोगड़िया की इज्जत पर हाथ डाल रहा है, पीएम के साथ उनकी इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल की डिटेल्स को सार्वजनिक किया जाए, ये उन्होंने बोला है। और अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जोशी की अश्लील सीडी का मतलब क्या है और साथ ही वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया आखिर इतना आग बबूला हो क्यों रहे हैं, आखिर वो पीएम मोदी को निशाने पर ले क्यों रहे हैं और अचानक से वो इतना क्यों प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं। मैं प्रोपेगेंडा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर चीज़ के पीछे कोई वजह है और तोगड़िया ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, आखिर उसके पीछे कोई वजह है, वजह ये है कि अब वो कोई सियासी मुकाम पाना चाहते हैं, उन्हें पता है कि इस साल 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, अगले साल लोकसभा चुनाव है, तो उन्होंने अभी से इसकी बिसात बिछानी शुरू कर दी है और चाहते हैं या तो पार्टियों से डरे या तो उनको कोई पद दे या हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में कोई नई पार्टी ही बना लें, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि वो वीएचपी के नेता हैं तो वो भाजपा से खिलाफत नहीं करेंगे ना ही आरएसएस से खिलाफत करेंगे, लेकिन कुछ भी हो सकता है, जो कि अभी बीते दिनों हार्दिक पटेल और बंजारा उनसे मिलने पहुंचे हैं और जिस तरह से विरोधियों का साथ मिल रहा है, जो पीएम मोदी विरोधी हैं वो उनके साथ आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात के संकेत दे रहे हैं कि हो सकता है कि तोगड़िया वीएचपी छोड़ दें और फिर से कोई नई पार्टी का निर्माण कर लें, जैसे वो हिंदूवादी बातें करते हैं, सांप्रदायिक बातें करते हैं, कहते हैं मैं हिंदू के पक्ष में बात करता था, करता हूं, करता रहूंगा और इसी बात की मुझे सजा दी जा रही है, आईबी का गलत प्रयोग किया जा रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है, मेरी भी सीधी सामने आएगी, ऐसा उन्होंने कहा कि मेरी भी सीधी सामने आएगी, मुझे बदनाम किया जाएगा, पहले संजय जोशी की सीधी लाकर उन्हें उन्हें बदनाम किया गया, अब मेरा नंबर है।
अब उन्होंने ये भी बात की कि संजय जोशी की जो सीधी आई थी साल 2005 में, उसकी जो जांच की थी जिन लोगों ने, उसमें प्रवीण तोगड़िया भी थे। अब तोगड़िया कह रहे हैं कि वो सीधी जिसने बनवाई है, मुझे पता है जिसने बनवाई है, तो अगर बनवाई है तो उनका नाम तो सामने नहीं लाए हैं वो, लेकिन क्या उन्होंने ये एक सियासी साजिश कर, सियासी उनकी रणनीति है कि वो एक ब्लैकमेल, ये ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे हैं भाजपा को या आरएसएस को ताकि उनकी बातों को सुना जाए, पीएम मोदी जो उनके खिलाफ कर रहे हैं उससे परेशान है वो चाहते हैं कि इस तरह से अगर ऐसे मीडिया कॉन्फ्रेंस में बोलकर इमोशनल अपील करेंगे, राज खोलने की बात करेंगे, तो शायद भारतीय उनसे डर जाए और फिर जो उनको कोई सम्मानित जो वो चाहते हैं उसको दिया जाए। अब वो चाहते क्या है इसका खुलासा तो उन्होंने नहीं किया है, लेकिन कोई तो बात ज़रूर है, तभी तोगड़िया इतना गुस्सा कर रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो शांत रहते थे अब वो अचानक से बोलने लगे हैं। आखिर उनको इतना गुस्सा क्यों आ रहा, क्योंकि उनके खिलाफ केस खोला गया है जो पुराना 10 साल का है वो उसको लेकर गुस्से में है, या फिर जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर गुस्से में है कि उन्हें लग रहा है कि अगर इस बार उन्होंने मौके पर चौका नहीं मारा तो फिर शायद उनके पास से मौका नहीं रहेगा। इसका आखिर वजह क्या है ये तो तोगड़िया ही जानते होंगे, लेकिन अगर संभावनाओं की बात की जाए, राजनीतिक जानकारों की बात की जाए, जो सियासी पंडित है उनकी बात की जाए, तो साफ साफ संकेत है कि तोगड़िया इस बार आर या पार की सिचुएशन में है, आर या पार करने की स्थिति में है। वो चाहते हैं कि उन्हें उनके लिए पार्टी सोचे, उनकी एक छवि विवादित नेता के तौर पर ना रहे, वो सिर्फ यशस्वी नेता ना बनकर रह जाए, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि दोनों मोदी और तोगड़िया गुजरात में बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों स्कूटर पर साथ जाया करते थे, दोनों की बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, दोनों के बीच बहुत अच्छा संवाद था, लेकिन वो खटास में बदल गया है। अब देखिए ना, सीधे बयान में जाहिर हो रहा है कि तोगड़िया को नहीं पसंद है पीएम मोदी, वो साफ साफ जाहिर कर रहे हैं, उनका कहना कि पीएम मोदी और जो जो भट्ट हैं उनकी जो है उनकी जो कॉल डिटेल्स है उसको पब्लिक किया जाए और मालूम किया जाए कि आखिर उनके बीच बातचीत क्या होती है। उनका साफ साफ इशारा कि पीएम मोदी उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं उनको फंसाने की, लेकिन पीएम मोदी उनको फंसाने की कोशिश क्यों करेंगे, इसका भी जवाब देना चाहिए तोगड़िया को कि आखिर अगर पीएम मोदी ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और क्या पीएम मोदी के पास क्या कोई बड़ी वजह है जो वो तोगड़िया को फंसाना चाहते हैं। जैसा कि तोगड़िया खुद कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ पुराने केसों को खोला जा रहा है, लेकिन अगर वो कर भी रहे हैं पीएम मोदी, तो आप वजह बताइए कि आखिर क्यों कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं संजय जोशी की आपको बताऊंगी कि संजय जोशी की सीधी एक वक्त सामने आई थी और उसके बाद से उनको पार्टी से, हालांकि वो पार्टी में है वो, लेकिन अचानक से वो फिर वो गायब हो गए और उसके बाद वो कम सुर्खियों में रहे हैं। और संजय जोशी और पीएम मोदी भी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन इसकी कहानी पूरी सियासत पे बेस आधार है, क्योंकि उस वक्त ये बात है 1995 के बाद की, जब केशव भाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद केशव भाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला में वर्चस्व को लेकर लड़ाई हुई। शंकर सिंह वाघेला ने कहा कि नरेंद्र मोदी की वजह से केशव भाई पटेल उनको उनकी बातों को नहीं मानते हैं, तो फिर वहाँ पर आरएसएस ने क्या किया कि नरेंद्र मोदी को दिल्ली भेज दिया और वहाँ पर जो पद खाली हुआ नरेंद्र मोदी से वो मिल गया संजय जोशी को, और संजय जोशी के बाद फिर से वहाँ पर शंकर सिंह वाघेला फिर से उनके सुर बुलंद हुए और वहाँ पर सरकार गिरी और फिर उनके शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस के साथ मिलकर वो मुख्यमंत्री बने गुजरात के, लेकिन उसके बाद फिर से संजय जोशी ने वहां पर जो काम किया उसके बलबूते गुजरात में फिर से बीजेपी आई, लेकिन वहां फिर से कुछ विवाद हुआ और उसके बाद से नरेंद्र मोदी ने गुजरात जाने की इच्छा रखी और संजय जोशी को वापस दिल्ली बुला लिया। वहां पर तख्तापलट ये हुआ था कि वहां पर वाघेला को हटाकर बनाया गया मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये बात अखर गई संजय जोशी को दिल्ली भेज दिया आरएसएस ने और नरेंद्र मोदी फिर से गुजरात जा पहुंचे और यहीं से दोनों के बीच खटास का दौर शुरू हो गया। और उसके बाद जब साल 2012 में यूपी में चुनाव होने वाले थे, साल 2011 में उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी यूपी विधानसभा चुनाव की, तो उस समय पीएम नरेंद्र मोदी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि संजय जोशी को आखिर ये काम क्यों दिया गया, और यही वजह थी कि वो चुनाव प्रचार करने यूपी नहीं आए थे। उसके बाद मुंबई में भी एक ऐसी बात हुई थी कि उन्होंने कहा जाता कि पीएम मोदी ने संजय जोशी का इस्तीफा दिलवा दिया था। मैं आपको बस संक्षेप में बताना चाहूँगी आखिर पूरी बात क्या है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये मामला नहीं है जब नेता की सीधी या उससे जुड़े जो स्कैंडल है भाजपा को शर्मिंदगी में डाला हो। भाजपा में कभी ताकत पर रहे महासचिव थे संजय जोशी, उनसे जुड़ी सीधी भी मध्य प्रदेश से जारी हुई थी। जोशी संगठन महामंत्री थे जिसकी कमान सीधे आरएसएस के हाथ में रहती है। ये मामला साल 2006 का है, बाद में राज्य पुलिस ने जोशी की सीधी को गलत करार दिया था, लेकिन सीधी कांड के बाद से जोशी का राजनीतिक ग्राफ एकदम तेजी से गिरा और पद प्रतिष्ठा भी जाती रही। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी बात थी। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं ये बात कि संजय जोशी की जिस तरह से वजह सामने आ रही है संजय जोशी को लेकर,
वो कहा जाता है, ये आप देख सकते हैं, मोदी और जोशी के बीच मनमुटाव की वजह कथित सीधी रही है। हालांकि सीधी गलत थी, मैंने आपको खबर दिखाई है, सीधी गलत थी। संजय जोशी की जोशली सीधी बनाकर उनको बदनाम करने की कोशिश की गई थी, हालांकि उससे उनका सियासी करियर पूरी तरह से खराब हो गया और अब शायद उनका कोई अस्तित्व भी नहीं रह गया है। ये देख सकते हैं, आपके आरोप है कि संजय जोशी की सीधी के पीछे भी दोनों के बीच का विवाद था। सीधी में नाम आने पर जोशी को साल 2005 में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस कांड के बाद दोनों नेता एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे। बाद में जोशी को क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन उन्हें लंबे समय तक राजनीतिक बनवास झेलना पड़ा। हालांकि गडकरी के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद साल 2011 में यूपी में विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी चुनाव प्रभारी के तौर पर जोशी को दी गई, लेकिन मोदी की जिद से देना पड़ा था जोशी को इस्तीफा। यहाँ कहा जाता है संजय जोशी को यूपी का चुनाव प्रभारी बनाने से मोदी इतने नाराज हुए, मैंने आपको अभी बताया था कि वो यूपी में चुनाव प्रचार नहीं करने गए थे, और फिर मुंबई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए मोदी ने संजय जोशी का इस्तीफा तक दिलवा दिया था। और जोशी के इस्तीफे के कुछ देर बाद ही नरेंद्र मोदी मुंबई भी पहुंचे, लेकिन जोशी की इस इस्तीफे से मोदी विरोधी खेमे में उनकी खुलकर आलोचना होने लगी। यहीं से शुरू हुआ, हालांकि गुजरात में जब मुख्यमंत्री बनाया गया था आरएसएस की तरफ से प्रधानमंत्री तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे वहां पर नरेंद्र मोदी उनको, तो उसके बाद से खटास शुरू हो गई थी संजय सिंह और मोदी में, लेकिन वो खटास धीरे 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 सीधी कांड के बाद और ज़्यादा बढ़ गई, और फिर आज ये आलम है कि दोनों नेता एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। हालांकि संजय जोशी के पोस्टर काफ़ी लगाए गए थे बीते साल भी, साल 2017 में, लेकिन संजय जोशी ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। अब ऐसे में तोगड़िया संजय जोशी की बात लाकर आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? वो जोशी को अपने खेमे में लाकर पीएम मोदी के खिलाफ हल्ला बोलना चाहते हैं, या फिर वो उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है? फिलहाल क्या चल रहा है इसका तोगड़िया खुद पर्दाफाश करेंगे या खुद बताएंगे, या फिर आने वाले दिनों में खुद जैसे वो मीडिया कॉन्फ्रेंस करके सारी बातें एक एक करके खोल रहे हैं, एक दिन वो इसका भी पर्दाफाश कर देंगे कि आखिर वो पीएम मोदी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं और संजय जोशी की सीडी किसने बनाई थी, तो देखना होगा। क्योंकि इसका पूरा जो तोगड़िया इतने उग्र हो रहे हैं, इतने अग्रेसिव हो रहे हैं, उसका सीधा कनेक्शन चुनावों से है, और ऐसे में गुजरात में भी कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ी सी संकट में आ सकती है तोगड़िया के तेवरों से। फिलहाल अब देखना होगा कि आगामी दिनों में तोगड़िया और क्या क्या खुलासे करते हैं। तो दर्शकों, आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही, कल फिर से आपके सामने एक अहम मुद्दे को लेकर मैं आऊँगी, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।